सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हो मी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कोई भी थीम में या फिर किसी भी वेबसाइट में हम कैसे इजीली अपना शॉपिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट हम कैसे लिस्ट आउट कर सकते हैं और उसमें अपना वेबसाइट में कैसे हम लोग सेल कर सकते हैं, अपना वेबसाइट से प्रोडक्ट को स्केल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ई कॉमर्स का जो वेब प्लगइन होता है वर्डप्रेस का, वो प्लगइन होना चाहिए। तो वो पूरा डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और साथ ही आपके करके दिखाने वाला हूँ और पेज में क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए फ़िलहाल आपको क्या करना है, आपको आप जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो उस ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है और आपका जो वर्डप्रेस होगा उस वर्डप्रेस में आपको डैशबोर्ड में आ जाना है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल अपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। उसके बाद आपको प्लगइन में जाना है और यहाँ पे ऐड न्यू में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है किसी भी थीम में, चाहे वो वर्डप्रेस के थीम, वर्डप्रेस का जो भी थीम है, किसी भी थीम में आप इसको यूज़ करते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है WooCommerce, ठीक है। WooCommerce करके सर्च करेंगे तो आपके सामने एक प्लगइन आएगा, वो प्लगइन आपको इंस्टॉल करवा देना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिव कर देना है, ठीक है। एक्टिव करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जब भी आप एक्टिव करेंगे तो अपना इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से वो मतलब डिपेंड करेगा कितना जल्दी आपका वो एक्टिव होता है। एक्टिव हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ में यस प्लीज़ भी कर सकते हो और नॉट राइट नाउ भी कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, यस प्लीज़ करूँगा, मतलब यहाँ पे कुछ डिटेल्स मुझे मांगा जाएगा मेरा स्टोर के स्टोर को क्रिएट करने के लिए। तो वो क्या डिटेल्स है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो उसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्म खोल के आ जाएगा, तो वो जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको यहाँ पे फिल अप कर देना है। जैसे कि यहाँ पे पहला जो फॉर्म है यहाँ पे लिखा हुआ है जो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, फिर कंट्री चूज करना है, फिर सिटी एंड पोस्टल कोड आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ मैं जो फ़िलहाल मैं आपको जो भी डिटेल्स है मैं यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे डाल देता हूँ। मेरा जो एड्रेस है, पिन कोड है, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। फटाफट से मैं इसको डाल लेने के बाद आपको क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ डाल देने के बाद आपको आई एग्री में क्लिक करना है, कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्लिक करना है, उसको एड यस बिल्ड ए बेटर WooCommerce आपको इसको यस करना है, यस और आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपका जो इंडस्ट्रीज़ का डिटेल्स आपको यहाँ पे डाला जाएगा, जो विच इंडस्ट्री डज स्टोर ऑपरेटर, आपका जो इंडस्ट्री है वो किस कैटेगरी में आता है, फैशन में, हेल्थ में, जो भी है आपको यहाँ पे चुन लेना है। या फिर आपका इसमें कोई भी लिस्ट में नहीं है तो आपको अदर्स सिलेक्ट करना, जो कि मेरा अदर्स है और मैं इसको मिस सर्विस देता हूँ, तो सर्विस इसको अदर्स में सर्विस लिख के कंटिन्यू में क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिलहाल देखिए लिखा हुआ है, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट बेचना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो वो आपको चुन लेना है, या फिर डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, दोनों में से दोनों सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अपना हिसाब से दो भी सिलेक्ट करना सकते हो, या फिर आपका जो भी और अलग से मेंबरशिप भी लेना चाहते हो वो इजीली ले सकते हो। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका बिजनेस होगा, बिजनेस के बारे में कुछ बताना है, जैसे कि यहाँ पे हाउ मेनी प्रोडक्ट डी यू प्लान टू डिस्प्ले, आपका पेज में कितना प्रोडक्ट आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो आपको यहाँ पे डाल दें। जैसे कि मैं 1000 से प्लस मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद करेंटली सेलिंग एल्सवेयर, अगर आप दूसरे किसी वेबसाइट में चाहे अदर प्लेटफॉर्म में आप सेल कर रहे हो या अपना स्टोर में सेल कर रहे हो तो यहाँ से चुन लेना, जो जैसे कि फ़िलहाल मैं यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा, जो देखिए येस इन पर्सन एट फिजिकल स्टोर एंड अदर इवेंट्स आप इसलिए कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है येस एन अदर प्लेटफॉर्म एंड पर्सन फिजिकल स्टोर, जो भी अपना हिसाब से अपना स्टोर के हिसाब से, जो अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हो दूसरे से प्लेटफॉर्म में तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप नो में सिलेक्ट करके, सीजन नो में सिलेक्ट करके आप इसको आगे का प्रोसेस करवा देना है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है देखिए मार्केट ऑन फेसबुक, ये सारा का सारा को आपको क्या कर देना है, नो मतलब ऑफ कर देना है, क्योंकि ये सब आपको प्रीमियम मेंबरशिप में मिलेगा, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपका जो थीम है, अगर आप जो फिलहाल आप अपना वेबसाइट में जो भी थीम यूज़ कर रहे हो वो आप रख सकते हो, या फिर अपना दूसरा कोई थीम चूज़ करना चाहते हो यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ कंटिन्यू विथ माई एक्टिव थीम, जो मेरा थीम है वही थीम को मैं यूज़ करने वाला हूँ मेरा शॉपिंग पेज बनाने के लिए। तो आपको कंटिन्यू विथ माई एक्टिव थीम में क्लिक करेंगे, ठीक है, या फिर चूज़ करना चाहते हो दूसरा थीम वो चूज़ भी कर सकते हो अपने हिसाब से।
तो इसमें कंटिन्यू विथ माई एक्टिव थीम में क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का आपको जो कि जैकपॉट एक इनवॉइस क्रिएटर है प्लगइन, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप नो थैंक्स भी कर सकते हो। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको यस प्लीज में क्लिक करेंगे तो जो कि मेरा जो इन्वेस्ट होगा, जो भी ऑर्डर आएगा, मैं साथ ही साथ वो इन्वॉइस भी क्रिएट हो जाएगा जब भी मेरा प्रोडक्ट सेल होगा या फिर जब भी वो प्रोडक्ट ख़रीदा जाएगा मेरा कस्टमर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो वो आपका जो स्टोर है वो फिलहाल टेम्पोरली क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद आपको प्रोडक्ट यहाँ पे चूज़ करना है, अपना पर्सनल स्टोर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो, पेमेंट मेथड, टैक्स डिटेल्स आपको यहाँ पे दे सकते हो, या फिर स्किप फॉर स्टोर सेटअप, आप स्टोर सेटअप जो है वो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ और आगे का प्रोसेस मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ कैसे हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ मैं फिलहाल दिखाता हूँ, मेरा जो स्टोर है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी हम प्रोडक्ट एक ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ में आपको प्रोडक्ट दिख रहा होगा, उसमें क्लिक कर देना है, और यहाँ पे फिलहाल मेरा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो और स्टार्ट इंपोर्टिंग, आपका जो दूसरा अगर कोई भी प्रोडक्ट है आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो मैं क्रिएट नाउ में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट जो है मेरा प्रोडक्ट का डिटेल यहाँ पे डाल देता हूँ, जो भी प्रोडक्ट मेरा है, जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट नाम, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो उस प्रोडक्ट का डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल देना है, प्राइस, सेल प्राइस क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, फोटो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का साइज, इमेज कैसा होगा, थंबनेल कैसा होगा, पूरा का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल एक एक करके मैं सारा डिटेल्स यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो प्रोडक्ट नेम जो होगा मेरा, जो भी मेरा ई बुक्स है, मैं ई बुक्स में मेरा प्रोडक्ट का नाम ये है, व्हाई बींग एन एक्सपर्ट कैन हेल्प योर आई एम सेल, ठीक है। उसमें क्लिक कॉपी करेंगे इसको, तो मेरा प्रोडक्ट का नाम ये रहा, इसको कॉपी करके हमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको उसका आपका प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे हो जाएगा, और आपको जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पैराग्राफ, ठीक है, जो आपको नीचे शो हो रहा होगा पैराग्राफ, तो उसका नाम आपको पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ में आपको क्या करना है, जो भी आपको आप, मैं यहाँ पे फिलहाल देखता हूँ, ये मैं इमेज जो है मैं इस इमेज को यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे लिखा हुआ है देखिए एक पैराग्राफ यहाँ पे सेक्शन दिया गया है, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट डिटेल्स जो भी आप देना चाहते हो यहाँ पे डाल सकते हो। तो मेरा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का समरी डिटेल्स मैं यहाँ पे डालने वाला, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और प्रोडक्ट मेरा जो ई बुक्स होगा, ई बुक्स का समरी जो है इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जब भी मेरा कस्टमर इस प्रोडक्ट को देखेंगे तो इस समरी उनको दिखाया जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हो, आप अगर शो देखना चाहते हो मेरा प्रोडक्ट आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो प्रोडक्ट होगा, सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, एक्सटर्नल प्रोडक्ट, विजिबल प्रोडक्ट, अगर आपका एक ही तरह का प्रोडक्ट, दो तीन प्रोडक्ट एक साथ हैं, मतलब ब्लैक व्हाइट, तो आप ग्रुप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर एफिलेटेड प्रोडक्ट है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें फिलहाल सिंपल करूँगा, और यहाँ पे वर्चुअल एंड डाउनलोडेबल, अगर आपका मेरा ई बुक्स है तो ई बुक्स को यूज़ करने के लिए मैं डाउनलोडेबल दूंगा, तो डाउनलोडेबल इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो प्राइस होगा प्रोडक्ट का, तो रेगुलर प्राइस इसका क्या है, जो भी प्राइस होगा आप, मतलब MRP उसका कितना है वो दे सकते हो। उसके बाद आपका आप इसको कितने पैसे में बेचना चाहते हो, मतलब सेल करना चाहते हो, उसका प्राइस आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्राइस डाल देने के बाद आपको नीचे लिखा हुआ है डाउनलोडेबल फाइल, जब भी प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे तो फाइल जो होगा वो डाउनलोडेबल फाइल आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि मेरा प्रोडक्ट का नाम, फाइल का नाम यहाँ में मैं प्रोडक्ट का नाम ही मैं फाइल नाम डाल देता हूँ, और यहाँ पे आपका फाइल जो होगा वो फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जैसे कि चूज फाइल में करेंगे, और अपना जो PDF फाइल, जैसे कि डाउनलोडेबल फाइल मतलब मैं PDF फाइल यहाँ पे देने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना डिवाइस या जो PDF फाइल है ई-बुक्स उसको मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अपलोड कर देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ इंसर्ट फाइल URL आपको इसमें क्लिक कर देना है, तो आपका जो फाइल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसको जब भी परचेस करेंगे तो वो डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोडेबल लिमिट, अगर आप एक बार परचेस करेंगे तो एक बार देना चाहते हो, आपका डाउनलोडेबल लिमिट देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, या फिर डाउनलोडेड एक्सपायरी डेट भी आप दे सकते हो, मतलब कितना दिन के अंदर वो डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इन्वेंटरी, उस आपका इन्वेंटरी कितना है, मतलब आपका स्टॉक कितना है, 3 स्टॉक, 4 स्टॉक, 5 स्टॉक, जो भी है आप दे सकते हो स्टॉक इन्वेंटरी में। और SKU नंबर, आप जो भी नंबर अपना हिसाब से प्रोडक्ट का नंबर, सीरियल नंबर देना चाहते हो वो अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है।
उसके बाद आपका स्टॉक स्टेटस, अगर आपका स्टॉक में है तो इन स्टॉक, अगर स्टॉक का नहीं है तो आउट ऑफ स्टॉक भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, शिपिंग, अगर आपका प्रोडक्ट फिजिकल है तो आप शिपिंग ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो, अगर आपका डाउनलोडेबल है तो यहाँ में शिपिंग का तो बात ही नहीं उठता, ठीक है। यहाँ मैं पूरा डिटेल्स जो है मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कि उसका पूरा डिटेल्स अलग से मैं दिखा दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फिलहाल सिर्फ दिखाने वाला हूँ डेमो, कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं और किसी भी थीम में हम लोग कैसे शॉपिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे फटाफट से मेरा जो डिटेल्स है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, परचेसिंग डिटेल जो भी है। और अगर आपको जानना है कि पूरा प्रोडक्ट हम लोग कैसे ऐड करते हैं वूकॉमर्स में, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं फटाफट से इस डिटेल्स को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो भी प्रोडक्ट का आपका डिस्क्रिप्शन होगा वो यहाँ पर डाल सकते हो, यहाँ पर फोटो भी आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर फोटो एक यहाँ पर मेरा जो ई कॉमर्स का मतलब ई बुक्स का जो फोटो है मैं फिलहाल यहाँ पे फोटो एक लगाने वाला हूँ। तो फोटो सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो एक डाल देना है, तो मैं फोटो यहाँ पे डाल दिया और इसको इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट में कर दूंगा, ठीक है। इसको पूरा अपलोडिंग हो जाने पड़ेगा, अपलोडिंग नहीं होगा तो वो आपका इमेज जो होगा वो शो नहीं होगा, ठीक है। तो इमेज अपलोड हो जाने के बाद आपको इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट में क्लिक कर देना है, तो आपका जो फोटो होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो भी आप यहाँ पे दिख रहा होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कैटेगरी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब आपका जो बुक्स है, शर्ट है, पैंट है, जो भी आप कैटेगरी यूज़ करना चाहते हो यहाँ में आप ऐड न्यू कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी ऐड कर सकते हो। जैसे कि मेरा बुक्स कैटेगरी होगा, बुक्स कैटेगरी के अंदर वो यहाँ पे बुक्स आने वाला है, मतलब ई बुक्स के अंदर यहाँ पे कैटेगरी शो होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ई बुक्स लिखूंगा और पेरेंट कैटेगरी मैं यहाँ पे कोई भी नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ऐड न्यू कैटेगरी में क्लिक कर देना है, उसके बाद आपका जो कैटेगरी होगा वो कैटेगरी क्रिएट हो जाएगा और आप आपको शो हो, देखिए यहाँ पे मेरा जो ई बुक्स का कैटेगरी है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोडक्ट टैग आप देना चाहते हो ई बुक्स, जो भी टैग आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि कोई भी गूगल में सर्च करेंगे तो आपको उस टैग के हिसाब से आपको गूगल सर्च रिजल्ट में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई बुक्स एंड एक्सपर्ट, मैं दो तीन यहाँ पे टैग लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का इमेज कैसा शो होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं फिलहाल वही इमेज में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, या फिर आप अगर अलग सा कोई फोटो लगाने वाले हो तो लगा सकते हो, ठीक है। फोटो अपलोड हो जाने के बाद मेरा जो फोटो है आपको यहाँ पे इस तरह का फोटो आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसको इम्पोर्ट करेंगे तो इस तरह का फोटो आपको देगा। उसके बाद आपको क्या करना, सारा कुछ हो जाने के बाद आपको सेव ड्राफ्ट एक बार करवा देना है, उसके बाद आपको इसको प्रीव्यू करना है, तो ठीक है। मैं इसको एक बार सेव ड्राफ्ट करता हूँ और आगे प्रीव्यू करता हूँ, मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ कि आपका प्रोडक्ट कैसा दिखेगा पब्लिश हो जाने के बाद। तो देखिए इस तरह का आपका प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ई बुक्स, इस तरह का आपको दिखेगा मेरा वेबसाइट में, आप जब भी विजिट करेंगे तो आपको इस तरह का मेरा प्रोडक्ट दिखने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रीव्यू करने के बाद मैं आपको फिर से जाता हूँ मेरा डैशबोर्ड में और यहाँ मैं पब्लिश करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें पब्लिश में क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो पब्लिश हो जाने के बाद आपको मैं दिखाने वाला हूँ मेरा शॉपिंग पेज जो होगा वो आपको कैसे दिखेगा, कैसे शो होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको फिलहाल दिखा देता हूँ जो आपको जाना है अपना। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आपको शो हो रहा है, इसमें प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट आप क्रिएट करिए हो वो प्रोडक्ट एक एक करके यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएगा। तो मेरा आपको प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद मैं अपना वेबसाइट में, जो कि वीवी सोसाइटी वेबसाइट में आ चुका हूँ, और शॉपिंग पेज में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना दिख रहा होगा, अपना जो वेबसाइट है आपको यहाँ पे मतलब अपना बुक्स आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे डालना चाहते हो आप इजीली डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स फिलहाल मुझे बस इतना ही बताना था, मेरा वीडियो में आपको इतना सिखाने वाला था कि कैसे हम लोग किसी भी थीम में कैसे अपना शॉपिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी वेबसाइट में हम लोग प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो देखकर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा फ्यूचर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे।